बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं स्पैगेटी। स्पैगेटी बनाने के लिए मैंने पानी डाला है 8 ग्लास, तो आधा पैकेट हम स्पैगेटी का उबालेंगे। ये जो एक पैकेट आता है कॉल्सन की, मैंने स्पैगेटी ली है तो इसको हाफ पैकेट में बना रही हूँ। पानी जितना खुला डालेंगे उतना ही अच्छा है। 1 टेबल स्पून इसमें मैंने डाल दिया है नमक। एक टेबल स्पून हम डाल देंगे कुकिंग ऑयल, इससे स्पैगेटी आपस में जुड़ेगी नहीं। जैसे ही पानी उबलने लगेगा तो हम इसमें डाल देंगे नूडल्स और इसको हम पूरी तरह उबाल लेंगे 100%। 1/4 कप हमने लिया है ऑयल। 1 टेबल स्पून डालेंगे चॉप्ड लहसुन और 1 टेबल स्पून ही चॉप्ड अदरक। हल्का सा जैसे ही कलर चेंज होता है तब हम इसमें बाकी चीज़ें डालेंगे। हाफ चिकन का ब्रेस्ट पीस हमने लिया है और इसको जूलियन काट लिया है। अब हम चिकन को इतना पकाएंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए और पानी इसका ड्राई हो जाए। कलर इसका चेंज हो गया है। अब हम इसको मीडियम टू लो आंच पे 3 से 4 मिनट के लिए ढाँप देंगे ताकि चिकन थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। चिकन हमारा सॉफ्ट हो गया है, ये टूट रहा है। पानी हमारा गर्म होने लगा है तो अब हम डाल देंगे इसमें स्पैगेटी हाफ पैकेट और एक दफ़ा चम्मच चला देंगे ताकि आपस में मिक्स अपना जुड़े नहीं। चिकन हमारा जैसे ही नरम हो चुका है तो अब हम इसमें डाल देंगे स्पाइस पाउडर। इसमें हम डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, ये ऑप्शनल है लेकिन अगर आप थोड़ी सी स्पाइसी रखना चाहें तो आप ज़रूर डालें। तो नमक हमने बॉयल होते हुए तो डाल दिया था, तो इधर मैं 1/2 टीस्पून नमक डाल रही हूँ और 1/2 टीस्पून ही हम डालेंगे इसमें काली मिर्च। और मिक्स कर देंगे अच्छी तरह। अब मैं इसमें 1/2 कप के जितनी गाजर है हमारे पास जूलियन काट शामिल कर दी है और उसके बाद हम डाल देंगे शिमला मिर्च, ये भी 1 शिमला मिर्च है। सोया सॉस 1 टेबल स्पून, चिली सॉस 1 टेबल स्पून, मिक्स कर देंगे अच्छी तरह। फ्लेम को हमने तेज कर दिए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे मेयोनीज, 2 टेबल स्पून हम मेयोनीज के डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। मेयोनीज से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है स्पैगेटी का, खासकर जब आप चिकन और वेजिटेबल दोनों का कम्बिनेशन रख रहे हों तो फिर आप इसको ज़रूर ऐड करें। बस मेयोनीज डालने के बाद हमने तेज़ आग पे इसको 1 मिनट के लिए सिर्फ पका लिया है, तो मसाला हमारा तैयार है। मसाला तैयार है, अब हम इसमें डाल देंगे स्पैगेटी हमने उबाल ली है। अब हम मिक्स करने के लिए लेंगे ये वाला और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। स्पैगेटी को हमने पूरा 100% ही उबाल लिया है, थोड़ी कसर नहीं रहने दी, तो इसलिए हम इसको दम नहीं लगाएंगे, सिर्फ हमने मिक्स करना है और डिश आउट कर लेना है। मिक्स हो चुकी है, अब हम इसको डिश आउट करेंगे। ये हमारी मज़ेदार
स्पेगेटी तैयार है। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और दुआ में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।